हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो आज है 22 तारीख, ठीक है, और ये है आज का शेड्यूल। ठीक है, आप देख सकते हैं। ये 20 फरवरी का था, इसी को मैं थोड़ा एडिट करके डेली सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो आज है 22 तारीख। तो सबसे पहले देखो, कल मेरा मॉक नंबर 3 जो था मेंस का, वो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। इंग्लिश उसकी अच्छी थी, इंग्लिश थोड़ी मुझे लगा था हल्का सा ऊपर है, ठीक है। बट जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन था, उसमें से मैंने आई थिंक 25-30 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत डुएबल थे, करने वाले थे। ठीक है, आई होप आपने भी दिया होगा मॉक नंबर 3। तो आज मैं मॉक नंबर 4 सबमिट करके करूँगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये रहा मॉक नंबर 4। तो ये अभी मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है, आज। एंड उसके बाद बात करते हैं सेकेंड SBI क्लर्क प्री का। यार कल मैंने ना मॉक 3 दिया नहीं, ठीक है, तो वो मैं आज दूंगा। ठीक है, देखो कुछ ना कुछ तो छूट जाता है कभी ना कभी, जो आपने बनाया होता है। ठीक है, तो उसको मैं आज कर दूंगा और शाम तक इसको रिकॉर्ड करके एक वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, मॉक प्री की, मॉक नंबर 3 की। ठीक है, और स्टडी IQ का डेली वाला तो मेरा रहता ही है, क्योंकि डेली GA पढ़ना ज़रूरी है। आज है 7th, ठीक है, तो 7 फरवरी का आज मैं पढ़ूंगा, तो डेली वाला। और जनवरी का सेकेंड जो 300 बेस्ट करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। और कंप्यूटर्स में MS Word ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है आज, ठीक है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं बाकी का भी थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लूँगा, जो मैंने पढ़ा है अभी। मेमोरी पढ़ा है, Gmail पढ़ा है, और अपना ये MS Office, ठीक है। और आज यार ये देखो, जैसे मैंने मॉक नंबर 2nd लगाया था ना प्री का गाइडली से, तो उसमें आपने देखा होगा जब मैथ्स के जो लास्ट में 2-3 क्वेश्चंस थे, वो टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर थे। तो उसमें मैं पढ़ के थोड़ा सा स्टक हुआ था। क्यों स्टक हुआ था? क्योंकि वो टॉपिक का हल्का सा प्रैक्टिस कम हुई थी, और जो जैसा होता है ना कि आपने किसी टॉपिक पे प्रैक्टिस करी और उसको कुछ दिनों तक नहीं करा, तो वो कुछ कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हो, चाहे आपने कितना भी तैयारी करी हो, ठीक है। वो सबके साथ होता है, ठीक है। तो आज मैं इसको एक बार गो थ्रू कर लूँगा अच्छे से, ताकि वो ब्रशअप हो जाए, मेरे टॉपिक्स जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से हो जाए, ठीक है, ताकि आगे कभी दिक्कत ना आए। तो मैं क्या करूँगा, डेली एक चैप्टर इंक्लूड कर लिया कर लूँगा, ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए और ओवरऑल भी पूरी प्रैक्टिस होते रहे, ठीक है। और यार मेरे को मैसेज आए थे एक दो कि इंग्लिश कैसे करें, ठीक है। देखो, इंग्लिश के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ मैं, सेम चीज़ फॉलो करनी है जो कर रहे हो, जैसा मैंने वीडियो में बताया है, ठीक है। अब देखो, आप प्री का मॉक लगा रहे हो तो इंग्लिश आएगी, मेंस का सबमिट करके लगा रहे हो तो 25 क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हो, या 20 क्वेश्चन तो कर रहे हो डेली, और प्री का भी कर रहे हो। उन्हीं को करना है डेली, ठीक है। 5 दिन ऐसे फॉलो करना है, 2 दिन सैटरडे और संडे उनका रिवीजन करना है, सफिशेंट रहेगा, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें बहुत बोरिंग होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना आप बहुत इंटरेस्टेड होते हो ये सब करने पे, तो बहुत अच्छा लगता है, बट कुछ समय बाद ना बहुत बोरिंग हो जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है, तब आपका स्किप करने का मन करता है, मगर वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। जैसा आ, आ, मैंने बताया है, प्लीज़ उसे फॉलो करना, ठीक है, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो, ठीक है। तो यार ये था आज का शेड्यूल, ठीक है, और शाम तक मॉक नंबर 3 की वीडियो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो यार बस यही था इस वीडियो में, और मिलते हैं सीधा शाम को, रात को, प्री के मॉक के साथ। तो चलिए, ठीक है फिर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।